ओके हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चे, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रही है? सब कुछ परफेक्ट है? कैसे हो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आवाज़ वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? जल्दी से ये बताइए। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम मस्जिद, हेलो, गुड मॉर्निंग बिस्मा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सबके सब सेशन में जुड़ना स्टार्ट करो, जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट सेशन में जुड़िए ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डन, शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चे बताओ, शुरू करें पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच अड्डा, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम आफरीन। चलो चलो, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? Which of the following areas is the space debris graveyard? भाई स्पेस का जो भी डेब्री होता है, उन सारे डेब्री का ग्रेवयार्ड आखिरकार कौन सा का पॉइंट, क्या कौन सी जगह कही जाती है? चार ऑप्शन है, रीयूनियन आइलैंड, मेडागास्कर, पॉइंट नेमो या फिर गालापागोस आइलैंड। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। जो भी पूरे के पूरे स्पेस का डेब्रे है, नहीं पूरे स्पेस का तो आप नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी स्पेस का जो डेब्रे है उसका ग्रेवयार्ड आखिरकार इसमें से कौन सा होता है? हाँ जी बच्चे आंसर देना स्टार्ट करो। स्पेस का ग्रेवयार्ड आखिरकार इसमें से कौन सा होता है गाइस? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए बेटा। ओके, तो अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड न्यूज क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगी। पहले तो भाई आप सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करना है, ठीक है? ओके चलो, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, दैट इज पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो जो है वो होता है स्पेस डेब्रे का ग्रेवयार्ड, ठीक है? अब यहां पर इससे रिलेटेड चीजें देख लो कि भाई रिसेंटली न्यूज में क्या है। रिसेंटली न्यूज में ये था कि नासा ने अनाउंस किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2031 तक डीकमीशन और रिटायर करने का। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि नासा ने क्या किया, नासा ने जो है अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये मैं आपको करवा चुकी हूं, 2031 तक उसे डीकमीशन और रिटायर करने के लिए कहा है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नीमो जो हैज ग्रोन टू बिकम अ सॉर्ट ऑफ स्पेस सिमेट्री वेयर डीकमीशन स्पेस डेब्रिस इज ऑप्शन ब्रॉट टू रेस्ट। यानी पॉइंट नीमो जो है वो स्पेस सिमेट्री की तरह उभरा है, जहां पर जो भी स्पेस का डेब्री है वो वहां पर जाके रेस्ट करता है, या फिर उसको वहां पर उसका आप कह सकते हो एक तरीके का वो वहां पर जाकर जमा हो जाता है सारा का सारा। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, पॉइंट नीमो कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड अबाउट 2700 किलोमीटर अवे फ्रॉम एनी लैंड। इट इज नेम आफ्टर अ कैरेक्टर इन द जूल्स वर्न नॉवल 20,000 लीग्स अंडर द सी। 20,000 लीग अंडर द सी एक नॉवल है, उस पे एक कैरेक्टर था जूल्स, उसी पर नाम या उसी नाम पर आधारित है ये पॉइंट नीमो का नेम, ठीक है? जो कि एक कहा जाता है कि स्पेस डेब्रे का एक रेस्टिंग प्लेस है या फिर एक ग्रेवयार्ड है या फिर स्पेस डेब्रे जो है वो अक्सर वहीं पर जाकर जमा हो जाता है, ठीक है? तो ये क्यों मैंने पूछा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2021 तक रिटायर और डीकमीशन कर रहा है। डन डन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए हम। हाँ जी बच्चे जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए।
परफेक्ट बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द एक्सरसाइज मिलान, कंसिडर द फॉलोइंग के स्टेटमेंट। एक्सरसाइज मिलान के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दी हैं बच्चे, आपको ये तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। हाँ जी, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। एक्सरसाइज मिलान के ऊपर यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स का करेक्ट आंसर देना है। पहला, इट इज अ बाइलिनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि 1995 में स्टार्ट किया गया। यूएस ने एक्सरसाइज मिलान 2022 को सबसे पहली बार ज्वाइन किया। इट हैज सो फार बीन हेल्ड इन द अंडमान निकोबार बट इट इज नाउ बीइंग शिफ्टेड टू केरला। अब तक ये जो है एक्सरसाइज मिलन जो है वो अभी तक अंडमान निकोबार आइलैंड में होती थी, लेकिन अब इसे कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है? केरला में शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। विद रेफरेंस टू द एक्सरसाइज मिलान, एक्सरसाइज मिलन रेफरेंस से आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चे? हाँ जी, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए बच्चे। जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या है? एक्सरसाइज मिलन के ऊपर यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अभी तक किसी ने यहाँ पर सही आंसर नहीं दिया है, और बल्कि इनफैक्ट अभी तक आंसर ही नहीं आया। आप वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके बेटा, यह आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतना हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ेंगे। विद रेफरेंस टू द एक्सरसाइज मिलन, कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सरसाइज मिलन के रिगार्डिंग इसमें से स्टेटमेंट देखो। अच्छा, पहली स्टेटमेंट पे लिखा है ये एक बाइलिनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट किया गया 1995 में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यूएस ने सबसे पहली बार इसे सन 2022 में ज्वाइन किया, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है इट हैज बीन सो फार हेल्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बट नाउ शिफ्टेड टू केरला। एक्चुअली ये रॉन्ग है, अभी तक ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लगती थी, ट्रू, बट अब इसे कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ए। जितने स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है ना, वो बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर दिया है। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है, एकदम सही और परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, डन। जल्दी से देखो, डन है बच्चा? ओके, अब यहां पर देखो भाई, न्यूज पे क्या है? एक्सरसाइज मिलन 2022 वो शेड्यूल्ड हुई थी 25 फरवरी से 4 मार्च के बीच में, जहां पर हमने 42 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखा विद शिप फ्रॉम अराउंड 15 कंट्रीज। भाई यहां पर आप देखोगे कि हमने 42 कंट्रीज का शिप का पार्टिसिपेशन देखा इस एक्सरसाइज मिलन 2022 में। अब स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है? ये एक बाइलिनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि 1995 में स्टार्ट हुई विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज के पार्टिसिपेशन के साथ, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। यूएस ने इसे सबसे पहली बार ज्वाइन किया सन 2022 में, और 2022 में एक्सरसाइज मिलन का थीम क्या रहा है? ये रहा है कैमेटियर कोहेशन एंड कोलैबोरेशन, ये रहा है इसका इस बार का थीम। थीम भी इंपॉर्टेंट है, थीम भी हमेशा याद कर लिया करो क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी क्योंकि मैंने आपको बताया अभी तक तो पोर्ट ब्लेयर में हेल्ड होता था, लेकिन अब इट इज शिफ्टेड टू विशाखापट्टनम। अब इसे कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? विशाखापट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया है। डन है। गुड मॉर्निंग सूर्यकांत, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो लिख लो इसे एक्सरसाइज मिलन के ऊपर यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, स्टेटमेंट्स लिख लो, साथ ही साथ ये नोट्स कंप्लीट कर लो, नोट्स उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, जल्दी से नोट्स लिख लो, नोट्स लिखने के बाद डन कह देना ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। डन है गाइस? हाँ जी बच्चे, डन।
अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, डानिया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। बहुत बढ़िया, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिंदी वाले बच्चे इधर देखो, इंग्लिश वाले बच्चे उधर देखो। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के रिगार्डिंग यहां पर दो स्टेटमेंट लिखी हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। पहला, इट हैज बीन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और आफ्टर द कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर। इसे डिटरमाइन किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे, किसके? स्टेट गवर्नमेंट और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसल्टेशन के साथ। दूसरा, FRP सिस्टम जो है, फार्मर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेट टिल द एंड ऑफ द सीजन। यानी इस सिस्टम में फार्मर को सीजन एंड होने तक का वेट नहीं करना पड़ता है, और फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑफ द प्रॉफिट बाय द शुगर मिल्स और द गवर्नमेंट। यानी इसमें किसी भी अनाउंसमेंट का, किसी भी सीजन खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ता है फार्मर्स को। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के रिगार्डिंग आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गाइस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या कर रहे हो बच्चे? वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ। कैसी बात करते हो तुम सब? आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे ना हमसे, उतने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के ऊपर यहाँ दो स्टेटमेंट लिखी है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बच्चा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। सरप्रीत कौर ने आंसर दिया सी। ओके, अभी तक बाकी स्टूडेंट ने कुछ आंसर नहीं दिया। प्रियंका ने आंसर दिया बी। बाकी स्टूडेंट क्या आंसर दे रहे हैं गाइस? हाँ जी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के रिगार्डिंग आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो इन चारों, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ वन एंड टू। यानी दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस के ऊपर दोनों स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही स्टेटमेंट है। अब यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा आप। रिसेंटली महाराष्ट्र अलाउड पेमेंट ऑफ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इन टू इंस्टॉलमेंट। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस को दो इंस्टॉलमेंट में देने को कहा है। अब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। अब दोनों स्टेटमेंट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैचुरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन वॉज रिप्लेस बाय फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर 2009-10 एंड सब्सिक्वेंट शुगर सीजन विद द अमेंडमेंट ऑफ द शुगर कंट्रोल ऑर्डर इन 1966 इन 2009। यानी ये जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है बच्चे, ये पहले स्टैचुरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर के नाम से कॉन्सेप्ट था। पहले इस नाम से कॉन्सेप्ट था, फिर उसे रिप्लेस करके कर दिया गया है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस उसका नाम बदलकर किस ईयर में रखा गया? तो इसे लिखा गया सन 2009 और 10 और आने वाले साल के लिए। दूसरा, केन प्राइस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं वो डिसाइड होता है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशन पे, और साथ ही साथ इस पे स्टेट गवर्नमेंट और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पे कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट तो आप सबको समझ में आ गई। पहली चीज, इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था स्टैचुरी मिनिमम प्राइस, ठीक है। बाद में इसका नाम क्या पड़ा? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। किस क्रॉप से डील कर रहा है? शुगर केन की क्रॉप से डील कर रहा है, ठीक है, डन है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के आधार पर डिसाइड होता है इसका, या इसके रिकमेंडेशन पर डिसाइड होता है यहाँ पर शुगर केन का प्राइस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, सॉरी केंद्रीय सरकार के द्वारा अनाउंस होता है। आगे देखो, अंडर द FRP सिस्टम फार्मर्स को वेट नहीं करना पड़ता किसी भी सीजन का,
या फिर कोई भी प्रॉफिट का जो कि शुगर मिल के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है या फिर गवर्नमेंट का, इसमें किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता। द न्यू सिस्टम ऑल्सो इंश्योर मार्जिन ऑन द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क टू द फार्मर इन रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेयर शुगर मिल जनरेट प्रॉफिट और नॉट। यानी इस सिस्टम के अंदर शुगर मिल प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लेकिन फार्मर को एक प्रॉफिट मार्जिन देना कंपलसरी है इसके अंदर। इट order to ensure the higher sugar recoveries are adequately rewarded and considering variation among the sugar bill, the SRP is linked to a basic recovery rate of the sugar. ठीक है, यानी main चीज हमारे लिए क्या है, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, जो कि रिसेंटली न्यूज है। इसमें महाराष्ट्र ने अभी दो इंस्टॉलमेंट पे प्राइसेस भरने को कहा है, ये तो इसकी न्यूज थी। अब आखिरकार ये सिस्टम है क्या, ये सिस्टम शुगर केन से संबंधित है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, इसमें एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन और शुगर केन का कॉस्ट फार्मर्स को देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि शुगर मिल्स कमाई कर रही है या नहीं कमाई कर रही है। इसमें किसी भी चीज का वेट नहीं करना पड़ता, तो ये सारी चीजें है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के अंदर। समझ में आया सबको अच्छी तरीके से, यस और नो? हां जी बच्चे, समझ में आया? तो चलो इसे लिख लो जल्दी से गाइस, सबके सब बच्चे इसे लिख लो, फिर नोट करो, फिर हम आगे बढ़े। जब नोट कर लोगे तो डन कहना, ताकि हम इसके आगे बढ़ जाए। हां जी बच्चा, नोट कर लो, नोट करने के बाद डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े। डन? हाँ जी बच्चा, डन? सॉरी, डन है? नोट कर लिया बच्चे? ओके, अच्छा नेक्स्ट, इसमें पॉइंट्स जो भी नोट करने हो नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़े। इकोनॉमिक्स में आ गया, अरे यार इकोनॉमिक्स डील करती है, करंट अफेयर में तो सभी चीज चलती है ना। चलो डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। मैम आपकी टेलीग्राम आईडी क्या है? एजुकेटर आफरीन, एजुकेटर आफरीन है मेरी टेलीग्राम आईडी बच्चा, ठीक है? ओके डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द गोलन हाइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गोलन हाइट के रेफरेंस में आप यहां पर स्टेटमेंट देखो और बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। गोलन हाइट रिफर्स टू द बॉर्डर रीजन कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया बाय इजराइल ड्यूरिंग द सिक्स डे मिडिल ईस्ट वॉर ऑफ 1967। गोलन हाइट्स वो एरिया है जो कि, या वो बॉर्डर है, ब्रॉडर रीजन है जो कि सीरिया के द्वारा कैप्चर्ड किया गया इजराइल से सिक्स डे की, जब मिडिल ईस्ट वॉर चल रही थी 1967 में। इट इज बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर एंड द सी ऑफ गैलिली। इसे जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गैलिली के द्वारा बाउंड करा जाता है या फिर कवर किया जाता है। बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी बच्चे, साइड हो गई मैं, देख लो ध्यान से। हाँ जी जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। With reference to the Golan Height, consider the following statement. Golan Height के reference में आपको यहाँ पर दो statements लिखी हैं। आपको इस statement का correct answer देना है। हाँ जी बच्चे, जल्दी से answer देना start करो। हाँ जी हाँ जी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मैं, डोंट वरी। और अभी तक मेरे पास सारी पीडीएफ हैं, चलो आज मैं देखती हूँ, ठीक है? डोंट वरी। पहले तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर तो करो, तुम लोग पीडीएफ मांगते रहते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो ना ही दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में वीडियो को शेयर करते हो, कैसे चलेगा? आपको लाइक और शेयर तो करना बनता है ना। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब गोलन हाइट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखी है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है। न्यूज क्या है फिलहाल देखिए, न्यूज ये है कि इसराइल ने फायर किया वेरियस सेवरल सर्फेस
टू सर्फेस मिसाइल टूवर्ड सीरियन मिलिट्री पोजिशन इन द कंट्री साउथ कॉजिंग मटीरियल डैमेज। अब ये अनफॉर्चुनेटली चलता ही रहता है। इसराइल ने फाइल किया वेरियस सरफेस टू सरफेस मिसाइल सीरियन मिलिट्री पोजीशंस की तरफ ताकि कंट्री को नुकसान हो सके। अब ये जो है वो न्यूज़ में था, तो सीरिया का मैंने कुछ स्टैटिक पोर्शन बना के या उठाकर आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। पहला, गोलन हाइट्स जो है वो बॉर्डर रीजन है जो कि कैप्चर किया गया सीरिया से ड्यूरिंग द इसराइल सिक्स डे मिडिल ईस्ट इसराइली वॉर 1967 में। ये रीजन में द वेस्टर्न टू ऑफ द जियोलॉजिकल गोलन हाइट इंक्लूड होता है और इसराइल ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ माउंट हर्मन भी इसमें इंक्लूड होता है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसे जॉर्डन रिवर के द्वारा और सी ऑफ गैलिली के द्वारा इसे बाउंड किया जाता है। ठीक है, वेस्ट से माउंट हर्मन इसके नॉर्थ में है, सीजनल वादी अल रक ईस्ट में है एंड यरमुक रिवर इसके साउथ में। इसकी पोजीशन लिखी हुई है तो ध्यान से इसकी पोजीशन भी लिख लो। ठीक है, डन है बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट इसकी पोजीशंस भी लिख लो। तो इसराइल फायर्ड वेरियस सरफेस टू सरफेस, ये तो न्यूज थी। गोलन हाइट के रिगार्डिंग ये दोनों चीज लिख लो क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट बच्चे, इट इज इंपॉर्टेंट। गोलन हाइट जो है वो बॉर्डर रीजन है जो कि सीरिया के द्वारा कैप्चर किया गया इसराइल से सिक्स डे की मिडिल ईस्ट वॉर 1967 में। ठीक है, इसमें माउंट हर्मन नॉर्थ में है, साउथ में यरमुक रिवर है और सीजनल वादी अल रादुक ईस्ट में है और जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गैलिली इसके वेस्ट में है। डन, डन है गाइस? हां जी डन है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लिख लिया बच्चे? अगर लिख लिया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। बताओ लिख लिया हो गाइस? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। चलो डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What can be the possible cause of wildfires? भाई आपको बताए जंगल की आग का सबसे possible cause क्या होता है? पांच ऑप्शन है, droughts इंक्रीज होना, ठीक है, हाई एयर टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड। इन पांचों में से द पॉसिबल कॉज ऑफ वाइल्ड फायर्स, वाइल्ड फायर्स का पॉसिबल कॉज आखिरकार क्या होता है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो, फिर हम इसके रिगार्डिंग न्यूज भी पढ़ेंगे। पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो। हिंदी वाले बच्चे प्लीज उधर देखो, इंग्लिश वाले बच्चे इधर देखो और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो। ठीक है, और पढ़ने पर ध्यान दो सारे के सारे बच्चे। हाँ जी बच्चे, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो उस क्वेश्चन का। वाइल्ड फायर्स का पॉसिबल सबसे ज्यादा अक्सर या संभावित कारण आखिरकार, संभावित कारण आखिरकार इसमें से कौन सा है? हाँ जी, ड्राउट्स, इंक्रीज ड्राउट, हाई एयर टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइटनिंग या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स। हाँ जी बच्चे, तो अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वो क्या है? ओके चलो, तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल आर करेक्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4 and 5, इंक्रीज डाउट, हाई एयर टेम्परेचर, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लाइटनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विंड। ये पांचों की पांचों पॉसिबल कॉज हैं वाइल्ड फायर्स के। ठीक है, डन है। अब न्यूज क्या है ध्यान से देखेगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कॉल्ड किया ग्लोबल गवर्नमेंट टू अडॉप्ट अ न्यू फायर रेडी फॉर्मूला एज इट वॉन्ट that incidences of wildfire would rise in the future. UNEP ने अभी, यानी United Nation Environment Program ने अभी क्या किया है, global government यानी विश्व भर की governor governments को एक तरीके की नई fire ready formula adopt करने का urge किया है, क्योंकि
उसको ये वार्न किया गया है कि आने वाले टाइम पर वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, उन केसेस को रोकने के लिए, उन केसेस में एहतियात बरतने के लिए एक नई फायर रेडी फॉर्मूला है जो कि यूनेप के द्वारा सारे देशों को रिकमेंड किया गया है कि वो अडॉप्ट करें। रिसेंटली ये था न्यूज़ में। अब यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। कॉजेस ऑफ वाइल्ड फायर क्या है? क्लाइमेट चेंज होना, ठीक है, क्लाइमेट का असर पड़ता है। द प्रिवेलेंस एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड फायर इज चेंजिंग ड्यू टू द न्यूमरस फैक्टर इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू क्लाइमेट चेंज, यानी सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से ये वर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राउट्स बढ़ जाए, हाई एयर टेम्परेचर हो जाए, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाए, लाइटनिंग हो जाए, स्ट्रॉन्ग विंड हो जाए, ये सब के सब फायर सीजन्स को क्या करता है, और ज्यादा आग लगाता है उसमें, उसको एक तरीके से भड़काने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैंड यूज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये भी फायर वाइल्ड फायर्स को बढ़ाने का रिस्क लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, और भी कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक मैच स्टिक का ड्रॉप करना, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वाइल्ड फायर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जंगल की आग अगर लगती है तो जल्दी बुझती नहीं, क्योंकि एक से दूसरे में तीसरे में ट्रांसफर हो जाती है, और इसीलिए उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ट्रीज ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा मिनिमम उस पर चल रहे हैं कि हम एनवायरमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, इस पर वाइल्ड फायर एक एड ऑन करता है केस, और इसीलिए वाइल्ड फायर की समस्या फ्यूचर में बढ़ रही है, ऐसा बढ़ेगी, ऐसा यूनेप को वार्न किया गया है, और इसीलिए यूनेप ने ऑल देश सारे देशों से ये अर्ज किया है कि आपको ये न्यू वाइल्ड फायर पॉलिसी को या फॉर्मूला को मानना पड़ेगा, ठीक है। डन डन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े गाइस। भाई क्या कर रहे हो बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके, ये आपका काम है। आप जितना वीडियो को लाइक और शेयर करोगे उतने हमसे यहाँ पर बच्चे जुड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करिए सब। हाँ जी, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो। With reference to the sea cucumber, consider the following statement. Sea cucumber के regarding इसमें देखो कौन सी statement? तीन statement लिखी है, आपको ध्यान से statement देखना और इस question का correct answer देना है। Sea cucumber, हिंदी वाले बच्चे देखो, sea cucumber are high in demand in China and Southeast Asia where they are consumed as food and used in medicine. Sea cucumber सबसे ज्यादा demand में है China, Southeast Asia में, क्योंकि वो वहां पर food की तरह और वो वहां पर मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होता है। सी कुकुम्बर हमारे इंडिया में ट्रीट किया जाता है एज एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सी कुकुम्बर जो है हमारे इंडिया में एक एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह जो है लिस्ट किया जाता है, जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है शेड्यूल 5 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। थर्ड, लक्षद्वीप हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया फॉर सी कुकुम्बर। लक्षद्वीप में विश्व का पहला कंजर्वेशन एरिया है सी कुकुम्बर्स के लिए। चलो बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। हां जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? चलो बताओ जल्दी से और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ, बताओ भी और लाइक और शेयर करते जाओ। सी सी मैक्सिमम बच्चे कौन सा आंसर दे रहे हैं? सी। अब सी देख लो मैं, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड गलत कह रहे हैं। अच्छा सेकंड क्यों गलत कह रहे हो, व्हाई? सेकंड में गलती क्या लग रही है अगर मैं पूछूं सेकंड में क्या गलती लग रही है? हां जी तो बताओ सेकंड में गलती क्या लग रही है, मैं समझ जाऊंगी, पहले मुझे गलती बताओ कि सेकंड में गलती क्या लग रही है। हाँ जी बच्चा, सी कुकुम्बर के रेफरेंस में आखिरकार गलती क्या लग रही है? ओके सही, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। शेड्यूल 5 थोड़ी ना है बच्चे, शेड्यूल 1 में रजिस्टर्ड होती है।
शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रजिस्टर्ड है सी कुकुम्बर, ठीक है, जो कि इंडिया में एक एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह लिस्टेड है। अब यहां पर ध्यान से देखो इससे रिलेटेड न्यूज क्या है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैक्सिमम बच्चे दे रहे थे सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर देखो ध्यान से, इंडियन कोस्ट गार्ड seized live sea cucumbers about 120 nautical mile off the Kavarati Island in Lakshadweep by Bharat mein Kavarati Island, ठीक है, जो कि लक्षद्वीप में Kavarati Island है, उसमें लगभग 122 nautical miles दूर उन्होंने जीवित live यानी live sea cucumber जो है वो सीज किया है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दे आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैराइन इकोसिस्टम एज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैराइन इकोसिस्टम में। ये ज्यादातर डिमांड में है चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में, जहां पर ये खाने की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और मेडिसिन में भी इस्तेमाल होते हैं। लक्षद्वीप ने सबसे पहला वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया बनाया है सी कुकुम्बर के लिए, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट में गलती क्या है, क्योंकि वहां पर लिखा था शेड्यूल फाइव, एक्चुअली ये शेड्यूल वन के अंदर रजिस्टर्ड है। सबको समझ में आ गया बच्चे, यस और नो गाइस, हाँ या ना बोलो, समझ में आ गया तुम आगे बढ़े और लिख भी लो। अब यहां पर ये यार तुम लोग, पहले मैं बता दूं सी कुकुम्बर्स को वो कुकुम्बर नहीं समझना, खीरा, दैट इज नॉट सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर छोटा सा एक तरीके का जीव होता है, ठीक है, वो मैराइन इकोसिस्टम को मदद करता है, हेल्प करता है उसे रिनोवेट करने में, लेकिन वो चाइना में खाया जाता है और चाइना में उसको मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डन है, डन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। विथ रेफरेंस टू द एंडोसल्फन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंडोसल्फन के रेफरेंस में यहाँ तीन स्टेटमेंट लिखी है। पहला, इट डज नॉट अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट में नेचुरली नहीं आता है। इट स्मेल्स लाइक टर्पेंटाइन बट डज नॉट बर्न, ये टर्पेंटाइन की तरह महकता है लेकिन ये जलता नहीं है। इट इज यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स ऑन फूड एंड नॉन फूड क्रॉप, जो फूड और नॉन फूड क्रॉप है उसमें इंसेक्ट्स को बचाने के लिए काम करता है, यानी एक तरीके का पेस्टिसाइड है। एंडोसल्फन रिगार्डिंग यहां तीन स्टेटमेंट्स लिखी हैं। चलो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से गाइस आंसर देना स्टार्ट करो। हिंदी वाले बच्चे इधर देखो, हाँ जी बच्चे, ये हिंदी में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, एंडोसल्फन के रिगार्डिंग यहां पर तीन स्टेटमेंट लिखी है, आपको इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर देना है। एंडोसल्फन के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करो गाइस। हेलो साक्षी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम आप अपने टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, ये बेचारा बच्चा परेशान है पीडीएफ के चक्कर में। आई नो पीडीएफ में आप समझ रहे हो कि काफी अच्छा मटेरियल है, मिलेगा, मैं भी चाहती हूँ आप सबको पीडीएफ पहुंचाना भाई, लेकिन मेरा, मैंने देखा है कि तुमको मैंने एक महीना हो गया पढ़ाते हुए, तुम में से कितने स्टूडेंट्स रोज आते हैं, बहुत कम ही बच्चे हैं जो कि रोज आते हैं, बल्कि अब तो तुम लोग को टाइमिंग रट जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है क्लास का, तब भी तुम्हें रट जाना चाहिए टाइमिंग, और रट जाना चाहिए यानी डेली तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है तब भी डेली क्लास में मौजूद हो, क्योंकि डेली 7 बजे तो सेशन होता ही है ना बच्चे। डन, तो विद रेफरेंस टू द एंडोफल्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंडोफल्शन के रेफरेंस में आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक्चुअली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट इज परफेक्टली फाइन, तीनों स्टेटमेंट पे किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं है, तीनों स्टेटमेंट क्या है एकदम सही है। अब यहां पर देख लो ध्यान से,
सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्या न्यूज़ देखो ऊपर रेड कलर में लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली नोटिस इश्यू किया है ऑन अ पिटीशन सीकिंग कंटेंप्ट एक्शन अगेंस्ट केरला फॉर नॉट डिस्पर्सिंग 5 लाख ईच एज अ कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ एंडोसल्फन पेस्टिसाइड एक्सपोजर। एंडोसल्फन पेस्टिसाइड एक्सपोजर के कारण जो भी उससे नुकसान होता है, जिसको भी उसका एक्सपोजर होता है, जो वहां पर काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, उनको एक्सपोजर की वजह से उसका नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के लिए केरला सरकार को 5 लाख हर एक इंडिविजुअल को देना था एज अ कंपनसेशन, और अभी तक उन्होंने नहीं दिया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन इशू या इशू किया है नोटिस उस पिटीशन पर। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, पहली दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट एकदम सही है। एंडोसल्फन एक पेस्टिसाइड है, ये क्रीम टू ब्राउन कलर्ड सॉलिड है दैट मे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल और फ्लेक, यानी क्रीम टू ब्राउन कलर का एक तरीके का क्रिस्टल या फ्लेक की तरह दिखता है, ठीक है, ये नेचुरली एनवायरमेंट में नहीं होता, ये मिक्सचर होता है दो सेम केमिकल्स का, इट इज यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स ऑन द फूड एंड नॉन फूड आइटम, ठीक है। एंडोसल्फन को रिलीज किया जाता है एयर वाटर और सॉइल में ताकि वो पेस्टिसाइड की तरह काम कर सके, ठीक है, देख लो ध्यान से बच्चे। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें कोई भी गलती नहीं है, डन है बच्चा। मैम नोटिफिकेशन कहाँ आएगा? अरे यार नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो भी क्लास अटेंड किया करो ना, यहाँ कितने बच्चे हैं जो रोज आना क्लास अटेंड करते हैं, डेली क्लास में आते हैं, कितने सारे स्टूडेंट हैं, ये तो बहाना है कि मैम नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता, क्योंकि डेली 7 बजे क्लास होती है, मैं आपको बताती हूँ, तो बहाना तो आप बना ही नहीं सकते, है ना, डन। चलो बहुत अच्छी बात है, आईएएस कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप बस पढ़ने पे ध्यान दो। सुप्रीत कौर सुन रहा है, अरे सुप्रीम कोर्ट है नॉट सुप्रीत कौर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े भाई, लिखने के बाद डन कह देना, अगर नोट्स बना लिए बच्चे तो सबके सब बच्चे डन कह दो, फिर हम आगे बढ़े, नोट्स बना लिए गाइस तो डन कह दो ताकि हम आगे बढ़े। डन हो गया, चलो परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ध्यान से देखिएगा। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम वो साइन किया गया इंडिया और किसके बीच में, इंडिया और वर्ल्ड बैंक, इंडिया और यूनाइटेड नेशन, इंडिया और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम किसके और किसके बीच में साइन किया गया, हाँ जी बच्चे किसके और किसके बीच में साइन किया गया, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो गाइस। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम इज साइन बिटवीन इंडिया एंड, ये इंडिया और किसके बीच में साइन किया गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, हाँ जी गाइस जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, हाँ जी बच्चा। ओके तो अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ए आंसर दे रहे हैं। एक्चुअली अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF यानी डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया के बीच में साइन हुआ है द सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, रिसेंटली इससे रिलेटेड न्यूज थी। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पे वो ज्वाइंटली वर्क कर सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इन्होंने साइन किया सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका एम क्या है और बाकी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पर लिख के दे दी है, ध्यान से देख लीजिएगा, सिंपल अगर हम देखें, इसका एम है
ताकि हम क्रिएट करें कि एनेबल एनवायरमेंट सिटीज के लिए, ताकि वो डीकार्बनाइजेशन सॉल्यूशन अक्रॉस द एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरमेंट सेक्टर में यूज कर सकें। दूसरा, ये इनिशिएटिव पर्टिकुलरली नॉर्थ वर्डी है एज इट कम फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड इंडिया कमिटेड टू टर्न नेट जीरो बाय 2070 एज अ क्लाइमेट मिटिगेशन रिस्पॉन्ड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि वो जो है 2070 तक इंडिया को एक तरीके का टर्न जीरो बना देंगे, यानी डीकार्बोनाइजेशन के प्रोग्राम में सबसे आगे रखेंगे, और इसी डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशन के लिए जो है वो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, एंड इट इज साइन बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, डर है बच्चे, लिख लो गाइस, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लिख लो सारे के सारे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आगे बढ़ते, डन है, डन है गाइस, तुक्का सक्सेसफुल, कोई बात नहीं यार, तुक्का भी लगाया लेकिन पढ़ तो लिया ना, तुक्का भी लगाया पढ़ तो लिया, लेकिन बहुत बहुत लोग तो पढ़ते ही नहीं है, कम से कम तुम लोग ने तुक्का लगा के एटलीस्ट पढ़ तो लिया। डन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस के डिफरेंस में दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, बताओ दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, CACP के द्वारा इसे अनाउंस किया जाता है। क्रॉप्स कवर्ड इंक्लूड रबर एंड कॉफी अलोंग विद अदर्स, इसमें कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड है, रबर और कॉफी भी इंक्लूड है बाकी के साथ। आपको बताना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस, जल्दी से बताओ, आंसर देना स्टार्ट करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ बच्चे, आंसर देना स्टार्ट करो एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। मिनिमम सपोर्ट रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या करेक्ट है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस CACP के द्वारा अनाउंस नहीं किया जाता, हालांकि इसे CACP की रिकमेंडेशन में अनाउंस किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसे अनाउंस किया जाता है हमारे केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये सरकार का डिसीजन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, ना ही CACP का, बट रिकमेंडेशन CACP जरूर देता है और इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरे स्टेटमेंट पे लिखा है कि इसमें जो है रबर और कॉफी इंक्लूडेड होती है, एक्चुअली इसमें रबर और कॉफी इंक्लूडेड नहीं होती है, इसमें जो है 7 तरीके के सीरियल, 5 तरीके के पल्सेस, 7 तरीके के ऑयल सीड और 4 कमर्शियल क्रॉप इसमें इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन इसमें रबर और इसमें कॉफी इंक्लूडेड नहीं होती है, और इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो डी, नाइदर वन नॉट टू, यानी ना ही पहली स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, The MSP are announced by the Union Government as such is the government decision, ये सरकार का फैसला होता है और सरकार के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है, CACP के रिकमेंडेशन पे अनाउंस किया जाता है, ये जरूर है। इसमें 7 तरीके के सीरियल्स कवर करी जाती है, पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ले, 7 तरीके के पल्सेस, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तरीके के ऑयल सीड, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमेन, सैफ्लावर और नाइगर सीड, और 4 तरीके के कमर्शियल क्रॉप भी आती है, कॉटन, शुगर केन, कोपरा और रॉ जूट। तो ये है कवर, इस पे कहीं पर भी कॉफी और जो रबर का जिक्र नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस सिर्फ इन क्रॉप्स के लिए होते हैं। ठीक है, लिख लो बच्चे, डन, डन है गाइस, लिख लिया है तो डन कह दो, फिर हम आगे बढ़े, सारे बच्चों ने अगर लिख लिया है तो डन कह दो ताकि हम आगे बढ़े, डन है बच्चा,
चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर खत्म करेंगे क्लास को, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास को खत्म करेंगे। भाई क्या कर रहे हो बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर करा करो स्टूडेंट्स, ताकि हमसे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जुड़ सके। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ ब्लैक कार्बन? ब्लैक कार्बन के मेजर सोर्सेस क्या है? फॉसिल फ्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन का, सॉलिड फ्यूल इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल यूसेस से, और ओपन बर्निंग ऑफ बायोमास। ब्लैक कार्बन का मेजर सोर्स क्या है? ब्लैक कार्बन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हाँ जी जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो, ब्लैक कार्बन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? भाई डीकार्बोनाइजेशन का प्रोग्राम रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत सारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोग्राम न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन बनाए कि ब्लैक कार्बन का मेजर सोर्स क्या होता है? व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ ब्लैक कार्बन? अरे वाह बिस्मा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन तुम लाइक और शेयर तो कर नहीं रहे हो। मेरी क्लास अच्छी भी लगती है लेकिन बच्चों को आते भी नहीं है क्लास में, क्या करा जाए। ओके यस दी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, अगर हम देखा जाए तो तीनों है भाई, बायोमास की ओपन बर्निंग, सॉलिड फ्यूल्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल यूज, और फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तीनों एक मेजर सोर्स है ब्लैक कार्बन का। ठीक है, डन डन है बच्चा, ओके। पहले तो बताओ बेटा आज जो है क्लास तुम सबको कैसी लगी, आज के क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे? चलो दो मिनट आप सबसे बात करती हूँ, मैं हमेशा जल्दी चली जाती हूँ क्लास से, तो क्योंकि आज के क्लास के क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं, तो पहले बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी आप सबको। हाँ जी बच्चे समझ में आई आज की क्लास, कैसी लगी आज आप सबको क्लास, समझ में आई सारे के सारे स्टूडेंट्स को, पसंद आई आज की क्लास? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच पिक्की, थैंक यू बच्चे। तो सबको अच्छे से क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपको लगता है क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अब कल से नया मंथ स्टार्ट हो रहा है भाई, आज 31 मार्च हो गई, कल से 1 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। अगेन मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगी, पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। और आज तो आप सबकी 2:15 बजे क्लास भी है, 2:15 बजे आज आप सबकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की क्लास को अटेंड करना मत भूलना बच्चे, ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास को अटेंड करना मत भूलना। अरे क्वेश्चन टफ है भाई, तुम भी तो टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, हल्का फुल्के अपने आप को भी हल्के फुल्के मत लो बच्चा। चलो बहुत बढ़िया, देन थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक आप सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बच्चा, बाय एवरीवन।